Hey guys, so I am at Basilica of Bon Jesus Church, which is in Old Goa. So ये church बनना start हुआ था 1594 में and 1605 में बनकर तैयार हुआ था. And ये church basically World Heritage Site में भी आता है. गोवा के जितने भी churches हैं उसमें से एक ये church है जो World Heritage Site में count होता है. So this particular campus of church is huge and if you talk about that church, this is on that side. So I'm going inside now in church and वहाँ जाके interiors जो हैं उसके बहुत beautiful हैं सुना है. And अगर अपने को camera allowed किया तो मैं अंदर camera लेके जाऊँगा and I'll shoot some of the videos of interiors of that church and I'll share it with you guys. So यहाँ पर आने के लिए मुझे तकरीबन एक घंटा लगा मडगांव से. मडगांव से जब आप आते हैं तो थोड़ा सा रूट लंबा है और थोड़ा सा ट्रैफिक भी है बिकॉज बीच में काफ़ी सारे फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन चालू है. तो ट्राई टू कम बाय बाइक इंस्टेड ऑफ कार और बस बिकॉज अगर आप अकेले आ रहे हैं तो अकेले आने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर आप बाइक से आएंगे, अगर आप कार से आ रहे हैं तो कार से आने में आपको शायद थोड़ा तकलीफ होगा बिकॉज ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है. इट इज़ रफली 20-25 किलोमीटर्स फ्रॉम डेट पर्टिकुलर लोकेशन. इसके बाद हम लोग डोनापोला जा रहे हैं. डोनापोला में अब तो हम लोग बेसिकली थोड़ा एक पॉइंट है जहाँ पर जाके आप कुछ सनसेट पॉइंट कहते हैं शायद उसको. एंड उसके बाद वहाँ पे कुछ आजू बाजू में कुछ मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो शॉपिंग कर सकते हैं. साथ में ही सामने मीरामार बीच है बट मीरामार बीच अभी राइट नाउ इज़ नॉट यू नो एडवाइजेबल टू गो बिकॉज वहाँ पर हाई टाइड की वजह से जो ऑयल होता है वो पूरा ऑयल बीच की सॉइल पर आ गया है. वो सारा का सारा बेसिकली नहीं करना है. वीडियो अलाउड नहीं है. अच्छा तो मैं अभी चर्च से बाहर आ गया हूँ बिकॉज वहाँ पे गार्ड ने मुझे मना किया वहाँ पे शूट करने के लिए. सो वी आर गोइंग बैक नाउ. हाय हाय. There are some kids. That is basically a library which you are seeing on my back side. And this is the church where I just went. So अभी हम डोनापोला जा रहे हैं जो यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर्स दूर है. उसके बाद हम लोग वापस रिसॉर्ट जाएंगे क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो उसके बाद आई थिंक विल स्टे इन रिसॉर्ट ओनली. एंड डोनापोला इज़ अ पॉइंट जहाँ पर से आप सनसेट देख सकते हैं. तो वहाँ पे हम तकरीबन आधा घंटा रुकूँगा मैं और उसके बाद वहाँ से निकल के विल गो टू रिसॉर्ट. सो इट्स अ लिटिल क्लाउडी. हो सकता है रास्ते में बारिश मिल जाए अपने को. ये शुक्र है कि मौसम अच्छा है, धूप निकल आई है क्योंकि 3-3.5 के आसपास बारिश बहुत ज़्यादा हुआ था. तो बारिश के टाइम पे निकलना बाहर बहुत मुश्किल होता है इन गोवा. एंड देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गोइंग आउट बिकॉज आप कुछ देख नहीं पाएंगे, कुछ घूम नहीं पाएंगे बिकॉज बारिश बहुत हैवी होती है यहाँ पे. एंड बारिश के साथ साथ हवा भी बहुत तेज था यहाँ पे आज. सो अभी धूप निकल रहा है. आई थिंक विल बी एबल टू सी सनसेट एंड सम टाइम वी आर रीचिंग देयर. मेन बीच से आगे थोड़ा एक रास्ता कटता है, वहाँ से हमने लेफ्ट लिया है. एंड वी वांट टू हैव सम यू नो लोकल क्यूजिन. तो यहाँ पे कुछ तो बाहर बोर्ड लगे थे फिशरमैन रेस्टोरेंट करके
So let's see, अगर अपने को यहाँ कुछ खाने को मिलता है अच्छा तो we'll have some lunch from here. So he's Mr. Shashank. Yeah, Kolwa. Let's have some fun. And this is our buddy Urmil. So let's find some place. Goa is, as I said, famous for beaches and food and churches. If you'll see here, it is very clean and little isolated side of Kolwa beach. And I'm just turning my camera towards the sea. This is Kolwa beach, and I would suggest this particular beach for some relaxing time. It is neat and clean, and it is amazingly, superbly beautiful. If you are coming to Goa and you are in South Goa, it's a recommendation from my side that you visit Kolwa beach once at least. So Goa mein local cuisine ka maza hi alag hai. Agar aap kisi ek aisi specific jagah pe ja rahe ho jahan pe beach hai, ya specifically aapko koi agar aisi jagah milti hai jahan par aapko local food milta hai, not lavish, like gharguti khana you can say, and usme basically aapko jo taste milega wo taste basically different hoga. So agar aap Goa mein hai to try कीजिए कि कहीं local cuisine आपको मिले और वहाँ पर ही आप लोग खाना खाएं. और ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर आपको local cuisine मिल सकता है जो एकदम Goan food होता है, और उस food का मज़ा ही अलग है. इनफैक्ट आप किसी अगर रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर आपको उनको उनका जो ऑथेंटिक फूड है Goan food वो आप ट्राई कर सकते हैं. So we are at Madgaon station. हम लोग यहाँ से अभी मुंबई के लिए निकल रहे हैं और हमारा जो ट्रिप है यहाँ पर फिनिश हो रहा है. मडगांव स्टेशन पर हम लोग ओबियसली वी हैव यू नो ओवरनाइट ट्रेन, सो वी हैड टू हैव समथिंग. तो मडगांव स्टेशन पे एक रेस्टोरेंट है जो एकदम गेट के बाहर ही है मडगांव स्टेशन के. गोवा बेंजो समथिंग देर इज़ द रेस्टोरेंट जहाँ पे आप अपना फूड पैक करा सकते हैं, यहाँ पर बैठ के खाना भी खा सकते हैं. खाना ओके ओके है, नॉट गुड नॉट बैड. हाँ ओके खाना है, बट ठीक है. आप मतलब थोड़ा बहुत अगर आपको खाना है सैंडविच वगैरह तो यहाँ पे अच्छा है. ऑमलेट अच्छा था यहाँ का, ऑमलेट भी ट्राइड, दाल राइस भी ऑर्डर्ड, बट दाल राइस इतना अच्छा नहीं लगा अपने को. So Goa was good. 3 nights 4 days we had a great time here. Always Goa is always Goa is always good. Or Goa basically time खत्म हो जाता है but मन नहीं भरता यहाँ पे. But Goa का plan हम लोग दोबारा कर रहे हैं. आशीष दोबारा Goa आ रहा है. Yes. Probably in this week. In this week he is coming again because he has some plan to come to Goa from Mumbai to Goa by on bike. On bike. So for now, ciao, and we'll see you very soon in my another blog, which will be coming soon. And please share it with your friends, family, relatives, and ask them to subscribe my channel and watch all the videos which I have already shared on YouTube. Right. So guys, good night, take care, shabba khair. मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही. Another blog. Okay. Good night, bye. चालू क्या गोवा का बहुत ज़्यादा मसाला खाने का, और आपको ये लगेगा डेफिनेटली खा लो. ठीक है, बात टैंक यू. एक लीटर टैंक यू, क्योंकि आपने अभी देखा हमने जो खाया कितना मसालेदार. तो रास्ते में जाते हुए अपने को एक जगह दिखा जहाँ पर ये लोग फिशिंग नेट बना रहे थे, तो वी स्टॉप देयर एंड वी जस्ट थॉट टू कैप्चर. Thank you so much, sir. Again on the right. Let's go for the next destination. Yeah, it is. Back to Mumbai.